तो मैं सोच रहा था कि 500 सब्सक्राइबर के बाद कुछ क्यू एन ए वीडियो टाइप का करूं, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल में कोई भी क्यू एन ए वीडियो आया नहीं। अब क्यू एन ए वीडियो के लिए कुछ सवाल तो ज़रूर चाहिए होगा, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करो और सब्सक्राइब बटन दबाओ, और उसके बाद जो मन चाहे सवाल कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ऑलराइट गाइस, गेमिंग न्यूज़ की एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां पर मैं पिछले कुछ दिनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ गेमिंग न्यूज़ को कवर करता हूं, उसके साथ साथ फ्री गेम्स के बारे में बात करता हूं। तो आज का हमारा पहला अपडेट आ रहा है BGMI की तरफ से कि BGMI फिर से बैन हो सकता है। अब इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, मेरे ही चैनल में है, तो अगर तुम लोग चाहते हो उसे देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाकर देख सकते हो। BGMI की तरफ से एक और न्यूज़ आ रहा है कि पबजी मोबाइल का तुम लोगों का जो भी अकाउंट था जिससे तुम लोग पबजी मोबाइल खेलते थे, उसे ही फिर से तुम लोग BGMI मतलब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में फिर से उसे यूज़ कर सकते हो। अब इसे एक चीज़ तो साफ हो जाता है कि पबजी मोबाइल के लिए जो भी यूज़र कोड्स यूज़ किया गया था वो फिर से बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के लिए यूज़ किया जा रहा है, नहीं तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का प्रोफाइल और पबजी मोबाइल का प्रोफाइल कैसे आइडेंटिफाई करेगा सर्वर्स। हमारा अगला अपडेट आ रहा है रायट गेम्स की तरफ से। तो रायट गेम ने अनाउंस कर दिया है कि वैलोरेंट चैंपियनशिप 2021 फिर से इंडिया में हेल्ड होने वाला है। इसके बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जल्द ही रिवील होगा। उन लोगों ने ये भी अनाउंस किया है कि इसका जो ऑपरेटर का काम है वो सारा का सारा काम सौंप दिया गया है नॉर्डविन गेमिंग के ऊपर, मतलब वो लोग सारा का सारा ऑपरेशन, जैसे कि गेम्स कहाँ पर सिलेक्ट होगा, कौन से लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और कहाँ पर ई स्पोर्ट अनाउंस होगा, वो सब कुछ वो लोग संभालेंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सोनी की तरफ से, तो ध्यान से सुनना, बेसिकली PS5 वालों, ठीक है। तो सोनी के पास बहुत सारे गेम्स के क्रैश रिपोर्ट्स, क्रैश ईमेल्स, बहुत सारे बग फिक्सेशन की बहुत सारे डिमांड्स आ रहा था, तो इससे तंग आकर सोनी ने ये अनाउंस कर दिया कि जो सारे गेम्स अभी तक PS5 के लिए बनाया गया है वो अभी तक नया जेनरेशन के लिए नए टाइप से गेम बनाना पड़ रहा है, रिकोड करना पड़ रहा है। तो PS5 वालों प्लीज सब्र रखो, जल्दी से जल्दी तुम्हारा बग सारे के सारे चीजें फिक्स किया जाएगा और क्रैश रिपोर्ट्स भी लिया जाएगा, सारा का सारा गेम्स फिक्स होकर फिर से न्यू जनरेशन कंसोल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, अब तक GTA 5 को जो है कोई भी बिना एक भी डैमेज लिए कंप्लीट नहीं कर पाया था, पर एक बंदे ने जिसका नाम है अननेम्ड, उसके यूट्यूब चैनल में 3 पार्टों में डिवाइड किया गया एक वीडियो में पाया गया कि उसने बिना 1% डैमेज की पूरा का पूरा गेम खत्म किया। ये भी 48 बार कोशिश करने के बाद संभव हुआ और ये 9 घंटे के अंदर पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया था। उन लोगों ने एक मॉड यूज किया था, ध्यान से सुनना, उन लोगों ने जो मॉड यूज किया था उसका नाम है 1 हिट नॉकआउट। अब इसमें क्या होता है, अगर तुम्हें 1% डैमेज मिलता है GTA 5 में तो तुम साथ ही साथ मर जाते हो। अब ये एक रिकॉर्ड बन चुका है, कोई भी परसेंट डैमेज ना लेकर, मतलब हाफ पॉइंट कुछ भी नहीं, उसने पूरा का पूरा GTA 5 कंप्लीट किया, वो भी फास्ट रनर में 9 घंटे में। अब अगला एक बहुत ही खतरनाक न्यूज़ आ रहा है डेज गॉन PC की तरफ से। उनका जो प्राइवेसी पॉलिसी था वो कह रहा है कि कोई भी कीस्ट्रोक अगर आप लोग यूज़ करते हो डेज गॉन खेलने के टाइम, तो वो आपका रिकॉर्ड पूरा का पूरा सोनी के पास चला जाए। अब ये बात तो गलत है ना कि सोनी ये देख रहा है कि आप कौन सा की दबा रहे हो कीबोर्ड में, अपने कीबोर्ड में आप कुछ भी दबा सकते हो, ये ना ही मल्टीप्लेयर गेम है, ये पूरा का पूरा सिंगल प्लेयर गेम है, ठीक है, तो इसमें की का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सोनी ने अपनी सफाई में भी कुछ कहा है, वो कह रहा है कि कोई भी गेमर अगर मॉड्स या फिर कोई चीट्स यूज़ करता है तो वो पकड़ने के लिए कर रहा है ये सब। अब PS5 की तरफ से एक बहुत ही खराब न्यूज़ आ रहा है कि PS5 वाले जो भी खरीदारी करने जा रहे हैं उन लोगों को ज़्यादातर करके, मतलब गेम्स उसके साथ साथ इक्विपमेंट्स बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिला रहा है, मतलब फोर्स कर रहा है कि खरीदो, नहीं तो खरीदने की ज़रूरत नहीं। अब उसके वजह से IGN ने मतलब PS5 वालों को रिपोर्ट किया था कि ये सब हो रहा है, तो उसके सफाई में मतलब कुछ भी नहीं कहा सोनी वाले। अब ये बात तो सरासर गलत हुआ ना कि आप लोग PS5 खरीदने जा रहे हो, उसके साथ साथ तो आपको कंपल्सरीली गेम को खरीदना होगा, एक्सेसरीज जैसे कि मीडिया रिमोट, HD कैमराज खरीदना होगा, ये गलत है ना। जिसको नहीं चाहिए वो क्यों खरीदेगा, PS5 तो अलग खरीदने के लिए है। और इसके ऊपर सोनी ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, इसके बारे में बहुत सारे मेल्स कमेंट्स किया गया था पर सोनी ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, ये पूरा का पूरा गलत है। और ऐसा अगर चलता रहा ना तो एक दिन तो गलत होगा सोनी के ऊपर। खैर, आज के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ, जो फ्री गेम्स के बारे में बात करूँ तो सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, होप आप लोगों को समझ में आया हो सारे के सारे न्यूज़। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना गेमिंग की दुनिया के लिए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, घर की प्रॉब्लम्स मुझे मत बताना यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, बाय।